नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मैं आज आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस स्टॉक का नाम है नायका। काफी सारे बिगिनर्स और काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा आज इस स्टॉक में क्या हुआ है, और जिन्हें समझ में आ गया होगा उनके मन में काफी सारे सवाल होंगे, लाइक अब हमें हमारा पैसा, हमारे शेयर्स कब तक हमें मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होता है ये सब। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टॉक में हुआ क्या है। कल तक ये स्टॉक आपके लिए 1000 प्लस लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, आज इस स्टॉक का भाव 173 का दिख रहा है। क्या ये स्टॉक हरे निशान में है या एक्चुअली में 85% टूट गया है, हुआ क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इस कंपनी ने बोनस अनाउंस करा था 5:1 के रेशो में, यानी कि एक शेयर के बदले 5 शेयर और मिलेंगे और टोटल आपके शेयर्स 6 हो जाएंगे। बट अभी आपकी पोर्टफोलियो में ना तो शेयर्स ज्यादा हुए, बट आपका पैसा जरूर कम हो गया होगा। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग ब्रोकिंग कंपनीज हैं, लाइक जीरोडा, अपस्टॉक, पेटीएम और बहुत सारे ना जाने कौन कौन से, एंजल वन और लाइस। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक डीमेट पोर्टफोलियो में अलग अलग तरीके से शो करता है। लाइक किसी में आपको शो कर रहा होगा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो गया है, किसी कहीं ना कहीं आपके डीमेट अकाउंट में शो कर रहा होगा कि आपको इस स्टॉक में 85% का लॉस है। तो जो भी शो कर रहा है, मैं आपको बता दूं, लॉस आपको कुछ भी नहीं है और आपका पैसा भी कम नहीं हुआ है इस स्टॉक में। सबसे पहले मैं बताऊं, आज ये 2.5% नीचे चल रहा है, तो आपका जो भी कल तक अमाउंट था उसमें केवल 2.5% का नुकसान हुआ है, क्योंकि स्टॉक 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब समझने की कोशिश करते हैं ये हुआ क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी ने बोनस अनाउंस करा था 5:1 के रेशो में। अगर आपके पास कल 10 शेयर्स थे तो आप अगर आज होल्ड करते हैं तो आपके पास टोटल 60 शेयर्स हो जाएंगे। लेकिन कब तक होंगे, कब कंपनी आपको ये शेयर्स पे करेगी, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस स्टॉक में किसी की पोजीशन है तो क्या करना चाहिए। एक और सवाल रहता है कि अगर मैं आज खरीदूंगा तो क्या मुझे भी बोनस शेयर मिलेंगे, तो इसका जवाब है आपको बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे स्टॉक का मिल रहा है। अब बात करते हैं ये बोनस शेयर कब तक आएंगे। तो आज है एक्स डेट, कल है रिकॉर्ड डेट। तो कल जिसके डीमेट अकाउंट में स्टॉक्स होंगे, यानी कि अगर आप आज खरीदते हो तो कल आपके अकाउंट में डीमेट होंगे, सॉरी आपने कल खरीदा होगा तो कल आपके अकाउंट में डीमेट होंगे, क्योंकि आपको पता है डीमेट में 2 दिन लगते हैं, तो कल डीमेट हो जाएंगे और आप एलिजिबल हो जाओगे स्टॉक के बोनस शेयर्स के लिए। आपको कंपनी कल के बाद विदिन 4-5 वर्किंग डेज में आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली शेयर्स आ जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही पैनिक लेने की जरूरत है, ठीक है। अब काफी सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि अगर मैं इन स्टॉक्स को कल बेचता हूं तब भी क्या मुझे बोनस शेयर्स मिलेंगे, मैंने पहले के खरीदे हुए हैं। तो इसका जवाब है, अगर आप कल या फिर कल के बाद जो स्टॉक्स आपके डीमेट में दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी बोनस शेयर्स तो आए नहीं होंगे, अगर आपके पास कल 10 शेयर होंगे तो अभी आपको 10 ही शो रहे होंगे और कल भी आपको 10 ही शो होंगे। तो अगर आप कल के बाद यानी परसों 10 में से जो भी शेयर्स आप बेचना चाहो, 5, 2, 4, 6 या पूरे 10 बेच सकते हो, और आपके पास जो बोनस शेयर्स हैं 50 वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस के बारे में कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करें, स्टॉक में गिरावट है और स्टॉक में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई थी जब बोनस से पहले। मैंने आपको ये भी कहा था कि बोनस वगैरह में इस स्टॉक में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी काफी बड़ी गिरावट हुई है, 2500 के सामने स्टॉक 1000 रुपये पे आ गया था। मैंने आपके साथ क्लियरली कहा था ये स्टॉक मुझे 1000 रुपये के नीचे जाता हुआ दिख रहा है, 986 के समथिंग का हाई भी लगाया इस स्टॉक ने, और अभी ये स्टॉक अगर 171x6 भी करूंगा मैं तो 1026 पे आ गया है, यानी 1026 के आसपास अभी करंट मार्केट के प्राइस से प्री बोनस अगर मैं कंपेयर करूं तो ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अभी आपको। स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह होगी मेरी, बहुत महंगा शेयर है, ई कॉमर्स बिजनेस को कहकर इतना महंगा ट्रेड करवा रहे हैं, अब समझ नहीं आता मुझे। बाकी ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यू प्रॉफिट दे रही हो कंपनी, कंटिन्यू प्रॉफिट भी नहीं दे रही, और मुझे इस तरीके के स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश की राय देना अच्छा भी नहीं लगता है। मार्केट में हमारे पास बहुत ऐसे विकल्प हैं जहाँ पर तंगड़ा एसेट क्लास है, उनमें निवेश करने की राय होगी मेरी तरफ से। मैं इस स्टॉक को प्रॉपरली इग्नोर करने की सलाह दूंगा। बाकी मैं आपको फिर से बता दूं, आपको आज कोई भी नुकसान नहीं है और ये स्टॉक आपको बोनस के चलते नीचे आता हुआ दिखाए। काफी लोगों के दिमाग में ये भी आता है, भाई कल तक 1000 रुपए पे था, आज 100-172 रुपए मिल रहा है, खरीद लें क्या, मौका है? तो भाई बिल्कुल भी मौका नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ चुके हैं। अब आते हैं ये बोनस और स्टॉक स्प्लिट होता क्यों है। तो बोनस और स्टॉक स्प्लिट सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के प्राइस को अफोर्डेबल बनाने के लिए होता है, इससे कोई भी फाइनेंशियल चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2000 का एक नोट हो या फिर 2 200 के 10 नोट हो, दोनों की फाइनेंशियल वैल्यू 2000 ही है,
बस फर्क इतना है, वहां पे आपके पास 10 नोट है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ नोट्स ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स कम है। सेम स्टॉक के प्राइस में भी होता है, बोनस शेयर या फिर स्टॉक स्प्लिट के दौरान कंपनी सिर्फ इसलिए करती ताकि उनके स्टॉक का प्राइस अफोर्डेबल बन सके लोगों के लिए और कहीं ना कहीं इनमें लिक्विडिटी बढ़ सके, बाकी कोई भी अदर ऑप्शन नहीं होता है, कोई भी इंस्टेंटली फायदा नहीं होता है। तो ये मेरी वीडियो नायका के स्टॉक के ऊपर, होप आप लोगों को सब कुछ क्लियरली मैं समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।